हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2। लास्ट वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया था, आज हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। क्या है थर्ड क्वेश्चन? द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, उसका जो बेस है वो गिवन है 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4:2/15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर गिवन है इसका। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स? थ्री साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, एक साइड गिवन है और जो दो साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है, बिकॉज दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो साइड्स हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसको करने के लिए पहले तो सपोज कर लेते हैं जो दो इक्वल साइड है, लेट लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स की लेंथ सपोज कर लेते हैं एक्स है, ये भी x होगी और ये भी x होगी। आगे हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर है 2:2/15 सेंटीमीटर। मिक्स फ्रैक्शन को ओपन कर लेते हैं, 15 4 60 60+2 62/15 सेंटीमीटर। हमें पता है पेरीमीटर का क्या मीनिंग होता है, तीनों साइड्स का सम x+x+4/3 इज इक्वल टू कितना पेरीमीटर, 62/15। x+x कितना हुआ, 2x+4/3 इज इक्वल टू 62/15। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। 2x इज इक्वल टू 62/15, 4/3 इधर पॉजिटिव है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। नेक्स्ट 2x इज इक्वल टू 15 और 3 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम, पहले 3 पे जाएगा, 3 5 15, 3 1 3, आगे 5 के टेबल पे, 3 5 कितना आ गया हमारे पास एलसीएम, 15 एलसीएम। 15 को 15 के साथ डिवाइड किया, 1 को 62 के साथ मल्टीप्लाई, 62 माइनस 3 को 15 के साथ डिवाइड, 5 5 4 20। 2x इज इक्वल टू 62 माइनस 20, 42/15। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 42/15। 2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इसकी कैंसिलेशन कर देंगे। 2 के टेबल पे 42 कितने पे जाता है, 21 पे। x आ गया हमारे पास 21/15। इसको हम 3 के टेबल पे कट कर सकते हैं, 3 5 15, 3 7 21। x इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 5 यहां पे आ जाएगा, 1 यहां पे, 2 सेंटीमीटर, 1:2/5 सेंटीमीटर इज आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर्स। मतलब दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, उन्होंने क्या कंडीशन दी हुई है, एक तो दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है, 95। दूसरा क्या दिया हुआ है कि एक नंबर दूसरे से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। तो हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। पहले तो लेट कर लेंगे, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो अदर नंबर जो सेकंड नंबर भी लिख सकते हैं, वो क्या दिया हुआ है उन्होंने, 1 exceeds the other by 15 means एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है, 15
ज्यादा है, मीन्स सेकंड नंबर हमारे पास कितना हुआ एक्स प्लस 15। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का सम कितना है 95 है, एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 95। एक्स प्लस एक्स कितना हुआ 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। 2x इज इक्वल टू 95, 15 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15 कितना हुआ 80। x इज इक्वल टू 80, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इसकी कैंसलेशन कितना आ गया हमारे पास 40। मीन्स फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 40 एंड अदर नंबर जो सेकंड नंबर लिख सकते हैं वो आ गया हमारे पास 40 प्लस 15। एक्स की वैल्यू फिल करेंगे इसमें 40 है, 40 प्लस 15 तो सेकंड नंबर हमारे पास कितना आ गया 55। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन रेशो 5:3, इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। दो नंबर्स हमें रेशो में दिए हुए हैं 5:3 और आगे क्या बोल रहे हैं दे डिफर बाय 18, मींस दोनों जो दो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस वो कितना है 18, व्हाट आर द नंबर्स, तो दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। इसमें भी पहले लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर 5:3 में है तो फर्स्ट नंबर हम लेट करेंगे 5x एंड सेकंड नंबर वो कितना आ जाएगा 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है दे डिफर बाय 18, मींस दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना 18 है। 5x माइनस 3x 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9। इट मीन्स फर्स्ट नंबर कितना आया हमारे पास, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है 9, फर्स्ट नंबर आ गया हमारे पास 45 एंड सेकंड नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 27। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो हमारे पास कितना आएगा 18 आएगा, इट मींस हमारा जो सम है वो सही है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव मींस होता है जो लगातार होते हैं, एड अप टू 51, मींस जो तीन हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर है उन तीनों का सम कितना है 51 है, व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो हमने वो तीन नंबर है वो फाइंड आउट करने हैं। लेट कर लेंगे, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकंड नंबर लगातार है मींस अगला नंबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1, जैसे कोई भी नंबर है सपोज कर लो हमारे पास 5 है तो उसका अगला कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा 6 होगा, मींस 1 ऐड करके आ रहा है उसमें। नेक्स्ट थर्ड नंबर, तीन नंबर चाहिए हमें, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1 प्लस 1, मींस जो सेकंड नंबर है उसमें 1 ऐड करके आएगा, एक्स प्लस 2 हो गया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा है कि तीनों का सम कितना है 51 है, तीनों को ऐड करेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। x को तीन बार ऐड करेंगे तो कितना आ गया 3x, 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 51, 3x इज इक्वल टू 51, 3 उधर जाके माइनस का, 3x इज इक्वल टू 51 में से 3 माइनस किए कितना आ गया हमारे पास 48, x इज इक्वल टू 48 अपॉन 3, 3 वन जर 3, 3 सिक्स जर 18, x कितना आ गया हमारे पास 16, मीन्स जो फर्स्ट नंबर है
फर्स्ट नंबर कितना हो गया 16, सेकंड नंबर 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17, थर्ड नंबर 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तीन नंबर कौन कौन से आए, 16, 17 एंड 18। नेक्स्ट है हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन, द सम ऑफ थ्री कंजीक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। इसमें भी कंजीक्यूटिव ही लेने हैं लेकिन मल्टीपल ऑफ 8, वो वाले नंबर्स लेने हैं जो 8 के टेबल पे आए, इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स, वो तीनों नंबर क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। इसमें भी पहले सपोज कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकंड नंबर 8 का मल्टीपल लेना है तो कितना आएगा एक्स प्लस 8। 8 के मल्टीपल्स लेने हैं इसलिए हमारे पास 8 ऐड करके आएगा। जैसे सपोज कर लो फर्स्ट नंबर हमारे पास सपोज कर लो 24 है, तो अगला मल्टीपल 8 ऐड करके आएगा ना हमारे पास 32, इसलिए सेकंड नंबर कौन सा होगा x प्लस 8। देन थर्ड नंबर, पहले हमारे पास नंबर कौन सा था x प्लस 8, इसमें 8 और ऐड करेंगे तो कितना आ गया x प्लस 16। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें सम ऑफ थ्री कंजीक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। तीनों का सम लेना है एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 888। एक्स को 3 टाइम्स ऐड करेंगे 3x, 16 प्लस 8 24 इज इक्वल टू 888। देन 3x इज इक्वल टू 888 माइनस 24। 3x इज इक्वल टू 888 में से 24 माइनस किए आगे x की वैल्यू निकालेंगे 864 अपॉन 3। 3 को इसके साथ डिवाइड करेंगे 864 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 3 टू 6, 3 8 24 मीन्स फर्स्ट नंबर हमारे पास आया 288। फर्स्ट नंबर 288, सेकंड नंबर 288 प्लस 8 तो हमारे पास ये कितना आ गया 296। देन थर्ड नंबर 296 में 8 ऐड कर देंगे तो आ गया हमारे पास 8 6 14 304। मीन्स थ्री कंजीक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 हमारे पास क्या हुए 288, 296 एंड 304। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। और क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।